अपना घर बसाने की पूरी कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब अपने शौहर को लुटता हुआ देखा तो मैं कैसे खामोश रहती। मैं बोली, मैंने उनके हक के लिए आवाज उठाई तो क्या मिला मुझे? उठा के घर से बाहर कर दिया। वो लुटेरा तबरेज बिना उसकी हकीकत जाने सब, वो माँ, उसको माँ कहने को दिल नहीं चाहता। उनकी माँ और बहन दोनों हाथों से शान को लूट रही है, शान को पता ही नहीं है और शान कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और तबरेज उनका साथ दे रहा है, मोहरा बना हुआ है, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, वो अपना लूटे जा रहे हैं। कोई उस घर में, उस घर का इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वहां रहना इतना मुश्किल है। अंदाजा नहीं था कि वो धोखेबाज वक्त के हाथों इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। आप शान से बात करें। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ। जिस तरह शान ने मुझे आधी रात को बेइज्जत करके घर से निकाला बिना ये सोचे समझे कि मैं कहाँ जाऊंगी, आप वहां नहीं जाएंगे बाबा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरी खुशियों की झोली आप उसके सामने फैलाएंगे। मेरे मुकद्दर में खुशी नहीं लिखी, ये आप लोग अपने दिमाग से बात निकाल दें। बार 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 मुकद्दर से मेरे लिए लड़ना छोड़ दें प्लीज। शाम के अगर घर कोई जाएगा तो मेरा मरी का मुंह देखेगा। ये इत्तफाक भी हमारे साथ होना था। क्या था कि तबरेज मर जाता, किसी दूसरे शहर जाके शादी कर लेता। कम से कम माया का तो सामना ना होता ना उसके सामने। किस्मत की सितम शरीफी देखो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूं। ये सब भी उस झूठ की वजह से हुआ है। मैंने बोला तो झूठ ना बोले। एक झूठ बोला है, 100 झूठ बोलने पड़े हैं, भुगते फिर। खुशियां